तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है पबजी मोबाइल के अंदर यहाँ पे जो है पहले आर्किन के साथ कोलैबोरेशन किया गया था, उसके अंदर हम लोग को यहाँ पे काफी सारे कैरेक्टर देखने को मिले थे। उसी के बाद दोस्तों जुजुत्सु कायसेन के साथ कोलैबोरेशन किया गया तो उसके अंदर भी हम लोग को यहाँ पे जो है चार पांच कैरेक्टर देखने को मिल गया। तो गाइस फाइनली आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है पबजी वाले एंड गाइस बीच में वाले वापस से आप लोगों के लिए कोलैबोरेशन करने वाले हैं एवा गलेन के साथ। ठीक है, अब यार इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे कैसा होने वाला है उसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं है, बट आप लोग यहाँ पे एक फोटो को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यार काफी ज्यादा कमाल का फोटो निकल कर आ चुका है जहां पर एक पबजी कैरेक्टर एंड जो एवा गलेन के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यार ये काइंड ऑफ आप लोगों के लिए आप एक जापानीज एनिमे होने वाला है। मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं देखा, अगर आप लोगों में से किसी ने भी देखा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो वैसे गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे जो आने वाले मूड भी होने वाले हैं, वैसे गाइस आप लोगों के लिए यहाँ पे जो आने वाले कमाल के इवेंट्स भी आएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है अगर आप लोगों के सामने जो है कभी भी इस तरह का इवेंट आता है तो हम लोग को फ्री में टाइटल तो देखने को मिलता ही है। तो आज की वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है मंथ 11 मंथ 12 रॉयल पास के काफी ज्यादा कमाल के रॉयल पास रिवॉर्ड दिखाने वाला हूं। आउटफुट कैसे होने वाली है, जो मंथ 11 रॉयल पास उसका 50 आरपी का लुक आप लोगों के लिए यहाँ पे कैसा हो सकता है, उसके साथ दोस्तों व्हीकल की स्किन होगी, गन की स्किन होगी, सबके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कि रॉयल पास 50 की आउटफिट आप लोगों के लिए यहाँ पे कैसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे मंथ 11 रॉयल पास की 50 आरपी की आउटफिट के बारे में, जो आप लोगों को यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके की यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। बिकॉज गाइस यही आप लोगों के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की अल्फा वुमन या अल्फा मेल टाइप की आउटफिट दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड लिटरली गाइस इसका नाम अभी तक मेरे पास यहाँ पे निकल कर नहीं आया, बट हाँ यही जो आउटफिट है इसके बारे में आप लोगों को बता जा रहा है कि यार यही आउटफिट आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है मंथ 11 रॉयल पास की 50 आरपी की आउटफिट जो होती है यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, काइंड ऑफ अच्छी लग रही है, मतलब मैं इसको यहाँ पे जो है कैसे भी बुरा नहीं किया, बिकॉज के जो फर्स होते हैं गाइस मतलब इसके जो पंख निकल रहे हैं वो सही में यार इस वाले आउटफिट को बहुत ज्यादा कमाल का बना रहे हैं। ठीक है, उसी की बात अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे और आउटफिट के बारे में, तो गाइस आप लोग यहाँ पे देखो एक और आउटफिट आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है निकल कर आ चुके हैं। ठीक है, अब यार काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो आउटफिट है आप लोगों के लिए यहाँ पे जो रिडीम शॉप के अंदर आएगी, काफी सारे लोग आप लोगों को ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये जो आउटफिट है आप लोगों के लिए मंथ 12 के अंदर आने वाली है। तो अभी तक तो यार यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, बिकॉज किसी का भी नाम निकल कर नहीं आया, किसी का भी आप लोगों के सामने यहाँ पे जो रैंकिंग होती है वो भी निकल कर नहीं आई है। बट हाँ इतना पता है कि जो आउटफिट आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है आरपी के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, रिडीम सेक्शन के अंदर आप लोगों को यहाँ पे जो है ये वाली आउटफिट शायद देखने को मिल सकती है। ठीक है, मुझे लगता नहीं यार ये जो आउटफिट आप लोगों के लिए यहाँ पे मंथ 12 रॉयल पास की 50 आरपी की आउटफिट होगी। ठीक है, इतनी भी कोई ज्यादा खास लग नहीं रही। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें जैसे कि आप लोगों को बताया फर्स्ट आरपी पे मिलता है आप लोगों को आउटफिट, तो यार ये जो आउटफिट है आप लोगों के लिए यहाँ पे मंथ 11 रॉयल पास के अंदर फर्स्ट आरपी के ऊपर यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जो दिखने में काफी ज्यादा कमाल की कूल लग रही है। आप लोगों ने अगर मम्मी सेट के बारे में सुना होगा ना गाइस, तो मम्मी सेट के टाइप की आप लोगों के सामने जो आउटफिट लग रही है आधा तो ये मम्मी सेट बना हुआ है, आधा काइंड ऑफ आप लोगों के लिए यहाँ पे जो गोल्डन सेट होता है वैसा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों ये जो आउटफिट है काफी ज्यादा आप लोगों के लिए यहाँ पर रफ होने वाली है। ठीक है, मतलब गाइस मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो आउटफिट है आप लोगों को बिल्कुल फ्री के अंदर ही देखने को मिल जाएगी, मतलब फ्री रॉयल पास जो होता है उसके अंदर देखने को मिल जाएगी, आई थिंक 15 रैंक पर या फिर दोस्तों 30 रैंक के ऊपर। ठीक है, उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे एक और आउटफिट के बारे में, तो गाइस आप लोग यहाँ पे जो है सॉलिड आउटफिट को चेकआउट कर सकते हो। मुझे लग रहा है गाइस कि ये जो है मंथ 12 रॉयल पास के अंदर फर्स्ट आरपी के ऊपर देखने को मिल सकती है। जस्ट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अजम्पशन जो होता है उसको यहाँ पे लगाता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली बात है किसी को भी यहाँ पे जो आइडिया नहीं कि कौन सी आउटफिट कहाँ पर आ रही है, बट इतना सबको पता है कि ये जो है रॉयल पास के अंदर या फिर दोस्तों रिडीम सेक्शन के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखो काइंड ऑफ कितनी ज्यादा कमाल की आउटफिट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जा रही है। ठीक है, आधा को यहाँ पे जो है स्केलेटन बनाया गया है, आधा आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है काइंड ऑफ अजीब सा यहाँ पे जो है लुक दिया गया। ठीक है, काइंड ऑफ आप लोग यहाँ पे देखो यार ये जो आउटफिट है मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल वियर्ड सा है तभी दोस्तों मेरे को यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोगों को यहाँ पे जो है ये वाला आउटफिट कैसा लगा इसके बारे में कॉमेंट जरूर कीजिएगा। प्लस एक और आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है इसी से मिलता जुलता आउटफिट आप लोग यहाँ पे देखो जो रेड कलर में भी है, एक आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है ब्लू कलर में भी है। इससे पहले पावर रेंजर के साथ कोलैबोरेशन हुआ था ना, तभी भी हम लोग को यहाँ पे जो है ऐसा आउटफिट यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, उसी के साथ दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे जो एक बिल्ली का किटन टाइप का आउटफिट आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है, एंड एक आप लोगों के सामने गोल्डन टाइप का आउटफिट होता है ना गाइस वो भी आप लोगों के सामने आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखो एक आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है रेड टाइप का येलो टाइप का आउटफिट आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। मुझे लग रहा है गाइस कि शायद ये जो है लकी क्रेट के अंदर आ सकता है, शायद मतलब मैं कंफर्म नहीं हूं, पर ऐसा हो सकता है गाइस कि आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है लकी क्रेट के अंदर ही देखने को मिल जाए। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों अगर हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में, तो गाइस दो या तीन आउटफिट आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है और निकल कर आए हैं, जो यार काफी खास तो नहीं है पर ठीक ठाक से ही मेरे को यहाँ पे लग रहे हैं। ठीक, तो गाइस चलिए बात करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है व्हीकल स्किन के बारे में। तो गाइस व्हीकल स्किन को आप लोग यहाँ पे चेकआउट करो भाई, ये फाइनली वापस से यहाँ पे जो कोलैबोरेशन होता है मॉन्स्टर के साथ यहाँ पे जो है हो रहा है, आई थिंक मॉन्स्टर ड्रिंक जो होती है उसके साथ होगा। तो ऑब्वियसली बात है मॉन्स्टर ड्रिंक का यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन के कारण यूएसएड की स्किन आप लोग को देखने को मिल सकती है। एक और आप लोगों के लिए यहाँ पे जो यूएसएड की स्किन आ रही है, जो मुझे लग रहा है लकी क्रेट के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगी, बिकॉज ये जो है बहुत ज्यादा ही अच्छी लग रही है। मुझे तो लगता नहीं गाइस कि जो चीज आप लोगों को बिल्कुल फ्री के अंदर ही देखने को मिल जाएगी यहाँ पे रॉयल पास के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों बाइक की स्किन आ रही है, जो ऐसा बताया जा रहा है कि मंथ 11 रॉयल पास के अंदर आप लोगों को बाइक की स्किन देखने को मिल जाएगी, एंड आप लोगों के सामने बगी की स्किन आ रही है, जो ऐसा बताया जा रहा है कि मंथ 12 के अंदर आप लोगों के सामने बगी की स्किन जो होती है वो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है आ सकती है, जो यार दिखने में काफी ज्यादा नॉर्मल सी लग रही है। उसी के बाद अगर हम बात करें आप लोगों के लिए यहाँ पे इमोट्स के बारे में, तो गाइस आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है दो इमोट निकल कर आए हैं, दोनों का अभी तक फोटो जो होता है वो यहाँ पे निकल कर आया है। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें इमोट के बारे में, तो गाइस आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है, मुझे नहीं पता यार इससे जो एनिमेशन वर्जन होता है वो यहाँ पे क्या करने वाला है। गाइस सेकंड को भी आप लोग यहाँ पे जो है चेकआउट कर सकते हो,
सेकंड इमोट यार काफी ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को। क्या पता गाइस आप लोगों के सामने कुछ ज्यादा फाइटिंग इमोट जो होता है वो आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इमोट दिखा दिया आप लोगों को, यहाँ पे गाड़ी की स्क्रीन दिखा दी, आउटफिट दिखा दी, तो गाइस सब में से आप लोगों को यहाँ पे जो है कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आई इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड होपफुली गाइस जो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आया प्लीज मेक श्योर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पहली बार आए हो फटाफट जाकर सब्सक्राइब करो, बिकॉज तुम्हारा भाई डेली इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पे लेकर आता ही रहता है। तो गाइस चलिए मिलते हैं हमारी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। That's all right. Hush.